आज 69वां गणतंत्र दिवस है और पतंजलि योगपीठ परिवार राष्ट्र को सबसे ऊपर मानता है, राष्ट्र धर्म को हम सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, राष्ट्र प्रेम को हम सबसे बड़ा प्रेम मानते हैं और राष्ट्र हित को सबसे बड़ा हित मानते हैं। और इसीलिए हमने पतंजलि योगपीठ के प्रत्येक भाई बहन के हृदय में भाव प्रारंभ से भरा कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता और राष्ट्र हमारा सर्वस्व है, राष्ट्र हमारा प्राणभूत है और राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र स्वाभिमान का, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराने वाला सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा। इस 108 फीट लगभग ऊंचा ये तिरंगा, जो कि हरिद्वार में जो भी तीर्थयात्री आता है, जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनके हृदय में भागवत प्रेम के साथ साथ ही राष्ट्र प्रेम का भाव भरता है। तो हम ध्वजारोहण के साथ आज की इस अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। सभी सावधानी अवस्था में रहेंगे, महाराज श्री आरोहण कर रहे हैं ध्वज का। तो यह तिरंगा खाली ऊंचे इस स्तंभ पर ही नहीं लहराता, हमारे हृदय में, हमारे मन प्राण आत्मा में अपने राष्ट्र का, अपने वतन का गौरव सदा हिलोरे लेता रहे। इसलिए यह इतना ऊंचा तिरंगा यहाँ पतंजलि योगपीठ से हम फहराते हैं, लहराते हैं और यह राष्ट्रीय स्वाभिमान, यह राष्ट्र प्रेम, यह राष्ट्र का गौरव सबके हृदयों में सदा जागृत रहे और प्रत्येक भारतीय को अपने भारतीय होने का गौरव सदा अनुभव होता रहे कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं जो युगों युगों से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। जिस भारत ने पूरे विश्व को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था दी, जिस भारत ने पूरे विश्व का सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन किया, वह भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है जहाँ कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। राम हमारे मर्यादाओं के सबसे बड़े ऊँचे आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के हम वंशज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के हम अनुगामी और अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं के, ऋषि शिक्षिकाओं के आन बान स्वाभिमान को अपने हृदयों में सजो करके हम आज गणतंत्र दिवस पर इस तिरंगे को लहरा रहे हैं और वह अपना शिखर छूने ही वाला है। ऐसे हम अपने जीवन में सदा शिखर आरोहण पाएं, हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को पाएं। चरै वेति सदा हम संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें पुरुषार्थ और परमार्थ करते हुए, निरंतर जीवन में हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें और मातृभूमि की श्रद्धा के, मातृभूमि की भक्ति के, मातृभूमि के गौरव के गीत हम गाते रहें। हमारे जीवन में एक तरफ ज्ञान की, संवेदनाओं की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो तो वह हमारे जीवन में वीरता की भी पराकाष्ठा हो।
सभी सावधान की स्थिति में खड़े होकर के भारत माता की वंदना करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार आप सबको और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और हम सब मिलकर के, हम 125 करोड़ भारतवासी, अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाने के लिए हम निरंतर संघर्ष करें, पुरुषार्थ करें, अपने कर्म से अपनी मातृभूमि की आराधना करते हुए, इस भारत माता की यही साधना करते हुए, भारत माता को हम परम वैभवशाली बनाने के लिए संकल्पित हों। और एक बार भी हम जीवन में देश के संविधान का और भगवान के विधान का उल्लंघन न करें, तो निश्चित रूप से इस आत्म अनुशासन में जीते हुए, राष्ट्र में अपने शासन का गौरव रखते हुए, आत्म अनुशासन का गौरव रखते हुए निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आगे कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है हमारे विद्यार्थियों की ओर से। सबसे पहले परेड का, बच्चे मेरे भाइयों ओर से आएंगे, थोड़ा जगह दे दीजिएगा, ध्वज को सलूट करते हुए मार्च पास्ट करेंगे आचार्य कुलम के बच्चे, थोड़ा सा जगह आप भी दे कविता के लिए।
नमस्ते. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 69th रिपब्लिक डे ऑफ आवर नेशन. ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन आई एंड माय फ्रेंड अमनदीप आर गोइंग टू नरेट अ शॉर्ट पोएम इन फ्रंट ऑफ यू. द टाइटल ऑफ आवर पोएम इज पैट्रियटिज्म वर्सेस टेररिज्म. दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय आवर इंग्लिश टीचर विश्वनाथ सर. हियर गोज आवर पोएम. द वर्ल्ड इज मॉर्निंग. The world is mourning because of terrorist attacks, because of terrorist attacks. But patriotism fights back and stops them in their tracks, Terrorism. The spiral tentacles of terrorism have spread its ugly gory face everywhere. From northeast to Jammu and Kashmir, constantly trying to strangulate the breathing spell of progress in lives. Every spill. Terrorism, its blood-curdling hands have made the lap of innocent mother empty. Deprived them of tenderly touch of their valiant sons. Still, terrorism fails shook up the growing nationalism. It is always defeated by unflinching patriotism. All around is carnage. Bodies are everywhere. All lives have been shattered. But the terrorists don't care. Since independence, billions and billions of brave soldiers have been fighting single-handedly. Against this barbaric fence of human being, But patriotism stands with the height of Himalayas to throttle the savage palace of terrorism. O patriotism, you are omnipotent, omniscient, and omnipresent. You are to dishevel the macabre wall of terrorism. To bring the fresh dew of eternal peace. Make me your lyre to fly over the dead souls. And to bring a renewed life to them. And to spread the fresh wind of eternal bliss. Today is the day we honor the brave and noble souls who dedicated their lives and sacrifice they made for the puissant patriotism. We salute them. Jai Hind, Jai Bharat. Bharati me Bharatam. Thank you.
मातृभूमि की बहुत ही सुंदर वंदना कि कैसा भारत हमें बनाना है और उस अपने भारत के गौरव का गीत गाया बेटियों। मेरा करमा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू आ वतन
वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जी जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद जवान। 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं की बदौलत मिली आजादी, और उसमें आज से 69 साल पहले देश का संविधान लागू हुआ, और संविधान में सबको समानता, स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिला। एक राजनीतिक गुलामी के दौर से हम गुजरे और हमने पराधीनताओं की बेड़ियों को काटा, उसके लिए जिन्होंने जीवन दिए हम उनको सलाम करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, और उन अपने क्रांति वीरों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम संकल्पित होते हैं। उसका दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, जो सपना था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, उन अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित होने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। अपने राष्ट्र के गौरव को अपने हृदय में संजो करके देश में जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पराधीनताएं विषमताएं हैं उनको मिटाने का दिन है आज का गणतंत्र दिवस। माना कि हमारे समाज में हमारे राष्ट्र में कुछ दुर्बलताएं भी हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के गौरव को अपने हृदय में संजो करके अपने राष्ट्र के सामर्थ्य को अपनी शक्ति बनाने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। इसलिए हम दिल्ली में अपने राष्ट्र के शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जल सेना, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना वो इतनी सबल है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र आज भारत की तरफ आंखें उठा के नहीं देख सकता। ये हमारी ताकत है और इसके ऊपर हम 125 करोड़ भारतीयों को गौरव है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक हमारी देश की सुरक्षा में देश की सीमाओं पर प्रहरी बनकर के खड़े रहते हो, और हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए चाहे कितने ही हमने उसके लिए बलिदान दिए हों, कुर्बानियां दी हों, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा अपना सर्वस्व न्योछावर करके जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर के भी की है। उस गौरव को अपने हृदय में सजो करके कि अपने पूर्वजों ने तो अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति तक दे दी, आज हमारे लिए ये दिन है कि चाहे हमें राष्ट्र के लिए जान तो न देनी पड़े, हम सलामत रहें, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते इस भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे। ये संकल्पित होने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। और जिस राष्ट्र ने पूरे विश्व को सदा से रोशनी दिखाई, सदा से जिस भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, विश्व को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल, सोशल, फैमिली सिस्टम देने वाला भारत, जहां पर चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंच महायज्ञों और 16 संस्कारों की पुरुषार्थ चतुष्टय की परंपरा, यह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति रही है। जो भारत
सदा ज्ञान शक्ति में विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र रहा है। सैन्य शक्ति जिसकी अखंड प्रचंड थी और जिस राष्ट्र का चरित्र का बल सबसे ऊंचा था। यहां पर आर्थिक और आध्यात्मिक वैरतारी कोई किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं थी, न यहां पर अज्ञान था, ना कोई अभाव था, ना कोई दुर्व्यसन था, यहां ना कोई दुख था। ऐसा भारत जिसके ऊपर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने देश के भीतर आज भी अकूत सामर्थ्य है, अकूत धन दौलत ऐश्वर्य है अपने उन प्राकृतिक संसाधनों का, मानव संसाधन का। और एक एक इंसान के भीतर भगवान ने जो अपरिमित सामर्थ्य दिया है उसका उपयोग करते हुए एक नए भारत का सृजन करने का, जिसके लिए हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें न्यू इंडिया बनाना है, एक नए भारत का सृजन करना है। अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके हमें एक सामर्थ्यवान भारत बनाना है और उसके लिए सबको संकल्पित होकर के आगे बढ़ना है। तो एक बार मैं पुनः आज गणतंत्र दिवस की आप सबको और 125 करोड़ भारतवासियों को पतंजलि योगपीठ की ओर से शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ गौरवान्वित हम महसूस करें कि हम भारतवासी हैं। अपने पूर्वजों की आन बान और शान को, स्वाभिमान को अपने हृदय में संजो करके हम एक परम वैभवशाली राष्ट्र का, एक जगत गुरु विश्व गुरु भारत का निर्माण करना है, उसके लिए हम संकल्पित हों। और चेतना के जिस स्तर पर भी हम खड़े हैं, भगवान ने जिस कार्य के लिए भी हमें चुना है, चाहे हम किसान हो, चाहे हम जवान हो, चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम चिकित्सक हो, चाहे हम कर्मचारी अधिकारी या व्यापारी हो, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, जो भी हमारे कर्तव्य हो, उन सब कर्तव्यों में राष्ट्र के कर्तव्य को सबसे ऊपर मान करके, चाहे जिस धर्म और मजहब को हम मानने वाले हों, राष्ट्र धर्म को हम अपने सबसे ऊपर मान करके और अपने अपने हितों की साधना करते हुए हम राष्ट्र हित की साधना को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज संकल्पित होकर के एक एक क्षण हम मातृभूमि के लिए जिए, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या का संकल्प हमारे हृदयों में गूंजता रहे। और मेरे साथ मिलकर के आइए एक वीरता गीत गाते हैं, सब मिलकर के बोलेंगे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की लाली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात फैला दे अपनी लाली माँ, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती,
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय। पूज्य आचार्य जी अपने मार्गदर्शन से सबको अनुग्रहित। भारत माता की वंदे। आज गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व हम सबके हृदय में राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनी भावना प्रदर्शित करने का यह अवसर, यह प्रतिदिन अवसर होता है, उसको सामूहिक रूप से आज हम यहाँ पर पतंजलि के इस प्रांगण में मां भारती के सम्मान के लिए उन वीर और शहीदों को याद करते हुए इस देश की पावनी परंपरा, पावनी संस्कृति, उस संस्कृति के साथ में देश को चलाने के लिए जो संविधान के रूप में हमको जो व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था को भी अखंड बनाए रखने का संकल्प आज सब हम लेते हुए, हम जहाँ पर भी हैं, जो भी हमारा दायित्व है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको पूरे मनोयोग से। श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र देवो भव, कि हम अपने राष्ट्र को देव मान करके यदि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो देश के साथ हमें कभी गलत नहीं करेंगे और गलत होते हुए भी नहीं देख सकेंगे। तो यही हमारा कर्तव्य है, उसका मूर्त रूप कि देश आज़ाद होने के बाद में भी जो आर्थिक की गुलामी या दूसरी जो समस्याएं इस देश में थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता भाई बहन और हमारे कर्मयोगी कर्मनिष्ठ हमारे सहयोगियों के साथ इस अभियान को हम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। आज पूरा देश पूरी प्रसन्नता और हर्ष के साथ इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है। संपूर्ण देश को हम अपने हृदय से पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि आइए हम सब मिलकर के वीरों ने, शहीदों ने और हमारे क्रांतिकारियों ने जिस भारत देश की कल्पना की थी, जिस देश की कल्पना में उन्होंने अपने आप को आहूत किया था, अपनी भरी जवानी और अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना उन्होंने इस राष्ट्र की परवाह की, आइए उन्होंने अपने जान दे करके, अपने प्राण दे करके इस देश को सींचा। हम सब जीवित रहते हुए भी इस देश को सींचें, उन सब को पूरा करने के लिए, उनके स्वप्न को साकार करने के लिए हम सभी लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति और ऊर्जा से हम आगे बढ़ते हुए माँ भारती के भव्यता को, दिव्यता को, पूरी इसके वैभव को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील हों। पुनः आज की इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं और आप सबके लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सबको इतनी शक्ति देना राष्ट्रवाद के अलख को जो हमारे वीरों ने, शहीदों ने जगाया था हमारे हृदय में, आज उस शक्ति और ऊर्जा से ही इतने बड़े अनुष्ठानों को हमने शुरू किया है, उसको लक्ष्य तक पहुंचाना, देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की अवधारणा की जो अलख है उसको जगा देना। भारत माता की वंदे। ब्रह्मन्।
हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। वाह वाह, हमारे लिए छोटी बात नहीं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, ये बहुत बड़ी घटना है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन का लूटा, माँ को काटा बहन का लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, अरे कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे, अरे कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पटवा उठा लेते, अरे पंडितों सागर से बहती पटवा उठा लेते, 7 लाख में से ही केवल 100 हथियार उठा लेते, 7 लाख में से ही केवल 100 हथियार उठा लेते। ना पाक का झंडा होता, ना पाक का झंडा होता इस हिंदुस्तान की माटी पर, ना पाक का झंडा होता इस हिंदुस्तान की माटी पर, जय जय भारत के नारे होते कश्मीर की घाटी पर, जय जय भारत के नारे होते कश्मीर की घाटी पर। कश्मीर को, कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो इस भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, भारत कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उखाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, अपहरणों की रोज कहानी होती है, धरती मैया पानी पानी होती है, झेलम की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजलों की बहरें भी आंसू लगती है। मैं आंखों के पानी को अंगार बनाने निकला हूँ, मैं आंखों के पानी को अंगार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं, मुझे उत्साह वर्धन नहीं हो रहा। कश्मीर है जहाँ दर्द में चंदा सूरज तारे हैं, झरनों का पानी रक्त में है, झीलों में अंगारे हैं, कश्मीर है जहाँ फिजाएं घायल होती दिखती हैं, जहाँ राशिफल घाटी का संगीने लिखती रहती हैं, कश्मीर है जहाँ विदेशी समीकरण गहराते हैं, कश्मीर है जहाँ विदेशी समीकरण गहराते हैं, गैरों के झंडे भारत की धरती पर लहराते हैं, गैरों के झंडे भारत की धरती पर लहराते हैं। कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन होती है, कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, संविधान की 370 अड़चन होती है, कश्मीर है जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती है, कश्मीर है जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती है, घर घर में 156 की राम कहानी चलती है, कश्मीर है जहाँ हमारा देश जहाँ हमारा शीश झुकाया जाता है, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। वे घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, वे घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वो, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कस्त्र भारत के नारे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता हो बंदूकों की नलियों में। स्वामी जी ने अभी कहा कि एक बार आर पार की हो जानी चाहिए, जब तक आर पार नहीं होगा तब तक शांति का दामन नहीं छाएगा। अहिंसा से कभी आजादी नहीं मिली या नहीं मिलेगी। तो अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश तमा दे घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। कुछ ऐसे महान अनुभव होते हैं जो हमारे देश में बसे हुए हैं, जिनको भारत की धरती अच्छी नहीं लगती है,
तिरंगा अच्छा ही लगता है लेकिन रह रहे हैं, लाचार ही है बेचारों, क्या करें। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, खून सने दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूँ, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। अंतिम छंद है कविता का, सारा सार इसी में, तालियों के साथ आपका साथ चाहूंगा पूरे सदन का। अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांग लिए हैं खून लिपी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावल पिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावल पिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ का यरता ना समझे सिंगों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुत्ता के वो ठेकेदार नहीं लगते, तीर अगर हम तनी कमानो वाले अपने छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, क्या डरना अमरीका के आकाओं से, अपने भारत के बाजू बलवान करो, पाँच नहीं सौ एटम बम निर्माण करो, पाँच नहीं सौ एटम बम निर्माण करो। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये मंदिरों का देश है, ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, कुरान का मेरा वतन, किसान का मेरा वतन, इंसान का। ये बौद्ध भी यहीं रहे, ये बौद्ध भी यहीं रहे, ये जैन भी रहे यहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, इबादतें जुदा जुदा मगर खुदा जुदा नहीं, अगर खुदा जुदा नहीं थी, नमाज हो या आरती तो राह मंजिले कहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। मंदिरों का देश है, लहू में अपनी बह रही, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। मंदिरों का देश है,
भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, मैं सुजाता बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। ओम परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धाचार्य ऋषि के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर सभी उपस्थित देश प्रेमी भाई और बहनों को मैं सुजाता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ अपने देश का 69वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यह हम सभी तथा पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि बहुत लंबे समय की परतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद हम गणतंत्र हुए। हमें अपने संविधान पर बहुत गर्व है। क्यों? क्योंकि हमारा वो संविधान है जिसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोलियां, 6 धर्म और 29 राज्यों में 6400 जातियों को रखकर हम सबका एक संविधान बनाया गया, और जिस सबका श्रेय हमारे संविधान के हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। यह गर्व, यह स्वाभिमान और जो अभी हम बड़ी बड़ी बातें करने का साहस रखते हैं वो सब हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके संघर्षों के कारण ही है। अगर वो बलिदान ना देते तो आज हम इस जगह ना होते। लेकिन एक दिन में उनके संघर्ष, उनके बलिदानों को याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संघर्ष, उनके बलिदान इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन उन सभी को अपने दिल और दिमाग से सलामी जरूर दे सकते हैं। हमारा देश वो है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी और क्रांतिकारी हुए हैं, और अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे पूर्वज हैं तो हम सब उनकी संतानें हैं। उनका सपना अपने देश को विश्व गुरु बनाना, हमें वो पूरा करना है। क्या करेंगे आप उन्हें पूरा? ऐसी जोशीली आवाज सुनकर तो लगता है आप सभी के दिल में एक ही बात चल रही है, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जान हो तुम, अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मैं तो हर बार गर्व से सर उठाकर कहती हूँ, ए मेरे भारत देश, महान हो तुम, महान हो तुम। यह देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। छाती चीर के देख लो, छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। लेकिन इस सबसे पहले सलामी तो हमें अपने देशभक्त, अपनी मातृभूमि के सच्चे भक्त को करनी चाहिए, जो सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद ले सके। वो भारत माँ के सच्चे देशभक्त जो सीने में फौलाद भर के सीमा पर खड़े रहते हैं, वो शहीद हो जाते हैं ताकि हम चैन से जी सके, वो अपना सर कटा देते हैं ताकि हम चैन से जी सके। वो भारत माँ के सच्चे देशभक्तों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का अचल नीलाम ना होने देंगे, तब तक भारत माँ का अचल नीलाम ना होने देंगे। वो सैनिक किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया, वो कहता है, ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की भाव को तरसता छोड़ आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की भाव को तरसता छोड़ आया हूँ। और अगर गौर फरमाया जाए, हमारा देश पूरी दुनिया में शांति की मिसाल रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे लोग हमें ललकारते हैं तो हम कभी चुप भी नहीं रहते। हाफिज सईद की बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा था कि उसकी सांसें रोकेंगे, रह पहले तू अपनी सांसें तो संभाल और सुन, और सुन, मैं हिंदुस्तान की, मैं हिंदुस्तान की एक छोटी सी जात तुझे बताती हूँ कि बाप बाप होता और बेटा बेटा। बेशक पाकिस्तान एक अलग देश हो, लेकिन निकला तो वो हमारे हिंदुस्तान से ही है। वो अपने पाकिस्तान पे घमंड करता है, करे, हमें उससे कोई अर्ज नहीं, लेकिन ये ध्यान रखे, अगर हमारा हिंदुस्तान ना होता तो तुम्हारा पाकिस्तान भी ना होता। बेशक तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद हो, लेकिन तुम्हारे लिए हमारा भारत जिंदाबाद था, है और सदा रहेगा। और अगर भाईचारे से रहना है तो हम वो हैं जो कभी तुम्हें गम में नहीं छोड़ेंगे,
वो है जो तुमसे कभी बात न करना छोड़ेंगे। अगर तुम्हारी सांसे भी निकल जाए ना, तुम्हारे लिए अपनी सांसें छोड़ देंगे। लेकिन अगर भाईचारे से रहना नहीं आता तो यह ध्यान रखना कि थप्पड़ खाए गद्दारों के, हम इतने मजबूर नहीं, हम भारत माँ की संतानें हैं। किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं। सर झुकाना आता नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं। सर झुकाने की आदत नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं। आंसू बहाने की आदत नहीं। हिंदुस्तान को खो दिया तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी लौट के आने की आदत नहीं, हमारी लौट के आने की आदत नहीं। तो आज हम सभी को बस यही संकल्प लेना है कि हमें अपने पूर्वजों के सपनों को पूरा करना है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। और क्या सभी तैयार है ऐसे कड़े संकल्प लेने के लिए? ऐसी जोशीली आवाज सुन के तो लगता है आप सभी के दिल में एक बात चल रही है कि खुदा हमेशा देना तो हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का ही चलन देना। ना दे दौलत ना दे शोहरत कोई शिकवा नहीं, बस भारत माँ की संताप बना देना, बस भारत माँ की संताप बना देना। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, उठो जागो शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सभी जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे इनकलाब। जय हिंद जय भारत।